व्यूअर्स, मेरे पास ये एक रॉयल एनफील्ड 500 है जो एक फ्यूल पंप EFI वाली गाड़ी है, और इसमें एक कॉमन इशू जो बहुत से लोग बोलते हैं कि यू नो गाड़ी मिसिंग हो रही है, बहुत सारा हिकअप्स लेता है गाड़ी। तो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि फ्यूल पंप वाली गाड़ी जो होती है रॉयल एनफील्ड में स्पेशली, उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो कंप्लीट केयर टिप्स वाला एक वीडियो बनाया था, बहुत पहले बनाया था, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। बट होता क्या है कि आजकल पेट्रोल में इथेनॉल होने की वजह से, 10% इथेनॉल ऑलरेडी आता है पेट्रोल में, उसकी वजह से जो आपका टैंक है वो अंदर से बहुत जल्दी करोजन पकड़ना शुरू कर देता है, और वही इस गाड़ी के साथ हुआ। ये घर की गाड़ी है, ये कंप्लीट मिसिंग में चलता है। मैंने इसका कंप्लीट जो मतलब हुआ गया मिसिंग में चलने का एक रीज़न होता है, एक तो आपका जो जो आपका फ्यूल एयर मिक्सचर होता है वो काफ़ी लीन बन जाता है, और इस गाड़ी में बिकॉज ऑफ दिस करोजन इन द टैंक जो फ्यूल इंजेक्टर में कचरा अटक के बैठ रहा है, उसकी वजह से फ्यूल इंजेक्टर इज़ नॉट एबल टू सप्लाई प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फ्यूल। उसकी वजह से एयर तो ज़्यादा जा रहा है बट उतना फ्यूल नहीं जा रहा है, तो उसकी वजह से जो मैनिफोल्ड है, इनलेट मैनिफोल्ड है, इसको इनलेट मैनिफोल्ड बोलते हैं, इस साइड पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं। मतलब गाड़ी लिटरली धुप 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 से आवाज़ करके, आप जैसे पिकअप देना शुरू करते हो, लोड में डालना शुरू करते हो, फ्लाईओवर चढ़ रहे हो, तो उस टाइम पे ये जो एक्सप्लोजन्स होते हैं, बैकफायर्स नॉर्मली हम लोग जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसका एक रीज़न है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा लीन चल रही है, फ्यूल इंजेक्टर उतना प्रेशर में फ्यूल दे नहीं पा रहा है, एंड द रूट कॉज फॉर दैट इज़ द रस्ट इन द टैंक। आई विल शो यू, मैंने अभी ये टैंक ओपन किया है, तो यू कैन सी दिस टैंक, इट इज़ कम्प्लीटली रस्टेड फ्रॉम इनसाइड। मैं आपको ये उंगली में, मेरी ये उंगली अभी क्लीन है, और अब मैं इसमें, ये पूरा विजिबल है, दिस इज़ द काइंड ऑफ रस्ट द टैंक हैज़। ये अभी अभी मैंने इसको फ्यूल पम्प मोटर और फिल्टर अभी एक 3 महीने पहले डाला था, और इसकी हालत ये हो गई है, इट्स कम्प्लीटली यू नो द करोजन हैज़ गॉन इनसाइड द फ्यूल पम्प फिल्टर, और पूरा टैंक अंदर से रस्ट हो चुका है। तो मैं कितना भी इसको फ्यूल इंजेक्टर क्लीन करूं या थ्रॉटल बॉडी क्लीन करूं, कितना भी करूं, ये जो है वो ये जो बैकफायर वाले सिम्टम्स है ये इसमें रेक्टिफायर नहीं होने वाले जब तक मैं टैंक को ट्रीट नहीं करूं। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोना ओपन दिस टैंक, और इसको मैं बहुत से अलग अलग प्रोसीजर्स से करूँगा, या तो डायरेक्टली मैं अभी जा रहा हूँ मेरे पेंटर के पास, अगर उसके पास अगर कोई प्रोसीजर है जो वो पूरा टैंक का जो रस्ट है उसको एसिड से या कोई विनेगर वगैरह वो टाइप की जो चीज़ें होती है उससे अगर क्लीन करके पूरा ट्रीट करके अंदर से ट्रीट करूँगा मैं इस टैंक को, और उसके बाद फिर से ये पूरा क्लीनिंग विनिंग करके लगाऊंगा, और फिर चेक करूँगा कि एक्सप्लोजन जो बैकफायर्स हो रहा है वो जा रहा है या नहीं जा रहा है। सो दिस विल बिकम अ वीडियो वेयर यू नो पार्ट्स में डालूंगा शायद, या हो सकता है इसको पूरा कंटिन्यू भी डालूं, बट अभी सबसे पहले मैंने टैंक निकाला है, दी रूट कॉज इज दिस रस्ट इन द टैंक, कम्प्लीटली रस्टेड है, उसकी वजह से फ्यूल प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, फ्यूल प्रेशर नहीं है तो फ्यूल का जो फ्लो है इन दी कम्बशन दैट इज ऑल्सो लेस, एंड दैट इज वाई लीन मिक्सर इज गेटिंग क्रिएटेड। अब इसको लीन मिक्सर को मैं थ्रॉटल पोजिशन सेंसर TPS जो होता है थ्रॉटल पोजिशन सेंसर के वोल्टेज को छेड़ के कर सकता हूँ, बट दैट विल नॉट बी अ यहाँ से TPS को मतलब अगर मैं पॉजिटिव बढ़ा दूँ उसका तो वो भी कर सकता हूँ, बट दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन, द रूट कॉज इज अ टैंक। तो मैं सबसे पहले टैंक से शुरू करूँगा, सो स्टे ट्यून्ड, हो सकता है लाइक आई सेड ये एक पार्ट्स में वीडियो बने या हो सकता है एक कम्प्लीट वीडियो बने, मैं इसका पूरा आपको बताऊँगा अभी करना क्या है। सो अभी ये टैंक के अंदर का कंडीशन आप देखोगे पूरा रस्टेड है, और इसको अभी मैं आया हूँ इसराइल भाई के पास थाने में, इनका मैंने आपको नंबर डालूंगा, तो ये अभी इसको पूरा ट्रीट करेंगे, और एक टाइम लगेगा, एक मैं उनको आराम से करने बोला है, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, तो फिर मैं दो से तीन दिन मैं आऊंगा 10 दिन के बाद शायद, और तब का कंडीशन हम देखेंगे। फिलहाल अभी इसकी कंडीशन ऐसी है, पूरा रस्टेड है। ठीक है, तो इसराइल भाई अभी आपके हवाले। टैंक हैज गॉन फॉर द कोटिंग प्रोसेस, उसको ट्रीटमेंट करना था पूरा, मैं अभी इसका थ्रॉटल बॉडी वगैरह खोल दूंगा, थ्रॉटल बॉडी खोल दूंगा, इंजेक्टर खोल दूंगा, उसको पूरा क्लीन करके मैं अपनी तरफ से रेडी रखूंगा, सो दैट जब टैंक मिलेगी तो फिर उसको पूरा क्लीन करके फिर से लगाएंगे, और फिर स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है।
सो अब ये मैंने पूरा खोल दिया है, मेरे पास खोलने के टाइम पे कोई पकड़ने के लिए था नहीं कैमरा, इसलिए मैंने खोल दिया पूरा। और ये है अपना थ्रॉटल बॉडी, ये इनलेट मैनिफोल्ड है, ये इंजेक्टर है, और ये इनलेट मैनिफोल्ड का जो एक बीच में का जो फाइबर गैस्केट है ये ऑलमोस्ट पूरा जल गया है। इफ़ यू कैन सी यहाँ पे ये आधे आधे स्लॉट बचे, तो यहाँ का लिटरली जल गया वो बैकफायर हो के। सो दीज आर द रेपरकशंस। ऐसा मतलब ये टाइप के बैकफायर्स आपके थ्रॉटल पोजीशन सेंसर या इवन मैप सेंसर को भी डैमेज कर सकते हैं, आपके थ्रॉटल बॉडी को भी डैमेज कर सकते हैं। अभी इसको पूरा मैं अच्छे तरह से क्लीन करूँगा, ये रिप्लेस कर दूँगा फाइबर, और जब टैंक आएगी तब उसके बाद फिटिंग करूँगा। सो मैं एक डिटेल में पूरा फिर से मतलब रिकैप करूँगा कि क्या हुआ, व्हाट आर द सिम्टम्स, उसका रूट कॉज क्या होता है और उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। सो स्टे ट्यून। ओके, सो अभी आपने लास्ट देखा कि मैंने टैंक इसराइल भाई के पास दिया कोटिंग करने के लिए। सो उसको वो अंदर से पूरा क्लीन करके विनेगर और डोंट नो क्या क्या एसिड्स है वगैरह क्लीन करके उसको पूरा कोटिंग कर देंगे, सो दैट जो रस्ट छोड़ रहा था टैंक वो फिर से वापस फ्यूल पंप में ना आए और थ्रॉटल बॉडी को ख़राब ना करे। और उसके साथ साथ मैं अभी पूरा थ्रॉटल बॉडी मैंने खोला है, जो मैंने दिखाया था पहले भी इंजेक्टर खोला है, अब मैं इसको पहले पेट्रोल से पूरा क्लीन कर लूँगा, उसके बाद मैं इसको थ्रॉटल बॉडी क्लीनर ये रॉयल इनफील्ड का ही है उससे क्लीन करके, ये मैंने इसलिए लिया, आई जनरली यूज़ 3M का यूज़ करता हूँ या तो वूर्त का यूज़ करता हूँ, बट ये अभी मेरे को कुछ मिला नहीं, तो मैंने ये रॉयल इनफील्ड के यहाँ पे एक काउंटर पे था और शायद 320 रुपीज़ में 500 ml, विच इज़ अ गुड वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि जो मैं 3M का यूज़ करता हूँ वो 550 रुपये में 500 ml मिलता है, बट दैट इज़ वेरी वेरी वैल्यूबल। आई मीन ये जो लोकल रहते हैं, आई मीन दिस इवन दिस इज़ अ लोकल कंपनी, ग्लोसिल करके कोई कंपनी है दैट इज एक्चुअली सेलिंग दिस, एंड द प्राइस इज 315 रुपीज़, यू कैन सी दैट। सो मैं इसका पूरा क्लीनिंग शुरू करता हूँ, अभी कैमरा पकड़ने के लिए कोई है नहीं, तो मैं इसको पेट्रोल से जो नॉर्मल क्लीन करता है वो करने वाला हूँ। सो ये मैंने अभी क्लीन कर दिया है, बट यू नो एज एक्सपेक्टेड ये जो आरी का जो थ्रॉटल बॉडी क्लीनर है वो इंग्लिश में बोले तो ओके निकला, और अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो घटिया निकला। सो 300 रुपया वेस्ट है वो, एंड दैट इज़ अ रीज़न मैंने लास्ट टाइम एक शीबा नाम का एक कंपनी जो अमेजोन में उसका भी काफ़ी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी मैंने मंगाया था सस्ता सोच के, बट लिटरली पानी है, मतलब इवन ये आरी का पता नहीं, मतलब अगर आरी कोई कंपनी के साथ टाइप कर रहा है उनके पैकेजिंग में अगर बेच रहे तो उनको लिटरली आई वुड से थोड़ा शर्म आना चाहिए कि ऐसा घटिया टाइप का स्प्रे वो लोग उनके पैकिंग में बेच रहे हैं। सॉरी टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट काफ़ी घटिया स्प्रे है वो, पानी है लिटरली, थिनर में शायद पानी मिक्स किया है, दैट्स व्हाट आई फील। और मैंने ये बताने के लिए एक्चुअली अभी ये फिर से शुरू किया शूटिंग, ये कंडीशन है, यहाँ से पूरा 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 का पूरा ये लिटरली यू कैन से आपका पूरा रस्ट का माइन्यूट पार्टिकल्स है ये। ओके, सो अब मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, बट टू बी ऑनेस्ट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिकॉज ये जो स्प्रे मैंने लिया लाइक आई सेड कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी है। उसका ये स्प्रे कितना बेकार है इसका और एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी मैं ये काम करता हूँ आई विल से यू नो ऐसा होता ही है कि स्प्रे मैंने कोई गलत एंगल में कोई होल में मार दिया और वो मेरे कहीं हाथ पे या आंखों में चला जाता है, इट गोज इनटू माय आईज। अगर मैं 3M या वूर्त या इवन मतलब कोई दूसरा कौन सा STP का भी आता है वो यूज़ कर रहा हूँ, स्पेशली 3M ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं, वो अगर आंख में गया ना तो मुझे पूरा आंख धोना पड़ता है, पूरा आंख जलने लग जाता है। ये अब मेरे आंख में गया, मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। सो यू कैन इमेजिन मतलब ये स्प्रे का इफेक्टिवनेस कितना है। आई एम सॉरी, ये मतलब जोकिंग टाइप में लग रहा है कि मैंने ये आंखों में गया वगैरह, थोड़ा सेफ्टी ये करना पड़ता है बट आंखों में चला जाता है ये कुछ भी मतलब। तो ये अभी थ्रॉटल का जो अपना मैनिफोल्ड है, इनटेक मैनिफोल्ड, इसको भी क्लीन किया, पूरा फ्यूल पंप मैंने डिसमेंटल करके उसका भी पूरा फिल्टर वगैरह, ये स्प्रे मैंने पूरा भी ख़त्म ही कर दिया, वैसे भी कुछ काम का नहीं है, तो पूरा अभी ये क्लीन हो गया है। और इंजेक्टर को मैंने क्या किया है, ये जो स्प्रे था उसका थोड़ा उसको ग्लास में लिया, इस छोटे से ऐसे डिब्बे में लिया,
और इसको डुबा के रखा है। इसको तो मैं और 24 आवर्स वगैरह डुबा के रखूंगा ऐसे ही, सो दैट वो पूरा क्लीन हो जाए, और फिर टैंक लग के अभी फिटिंग करूंगा। सो कंटिन्यूइंग विद दिस वीडियो, टैंक अभी इसराइल भाई के पास से मैं लेके आया हूँ। मैं उसको बाद में खोल के बताता हूँ कि उसको अंदर से कैसे क्या टाइप का कोटिंग किया है। अभी उसके पहले मैंने लास्ट टाइम जैसे बोला कि लास्ट टाइम एज ये वन शॉट वीडियो बन रहा है, तो मैंने पहले जैसे बोला कि जो रॉयल एनफील्ड का मैंने थ्रॉटल बॉडी क्लीनर लाया था वो काफ़ी घटिया था, तो मैंने फिर से अभी एब्रो का लेके आया जस्ट फॉर माय सेटिस्फैक्शन। मैं इसको फिर से अभी थोड़ा स्प्रे करूँगा और फिर से अभी मैं इसको फिटिंग कर दूँगा, उसके बाद मैं फाइनली बताऊँगा टैंक के अंदर कैसे किया है हमने। और साथ ही साथ मैं फ्यूल इंजेक्टर को भी इसे क्लीन करूँगा फिर से। फ्यूल इंजेक्टर को मैंने ऑलमोस्ट 2-3 दिन तक लिक्वी मोली का जो इंजेक्टर क्लीनर होता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उसको इंजेक्टर को मैंने डुबा के रखा था उसमें, तो होपफुली इंजेक्टर भी अच्छा क्लीन हो गया रहेगा। और अभी मैं फिर से इसको क्लीन करके पूरा अभी फिटिंग करके अपना जो फाइनल प्रोसेस है उसको शुरू करता हूँ। ये मेरे हाथ पे यू कैन सी दिस ब्लैक टैन विच इज़ व्हाट हैज़ कम आउट अगेन फ्रॉम दिस थ्रॉटल बॉडी। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि जो रॉयल एनफील्ड का जो थ्रॉटल बॉडी क्लीनर था, इट वाज एज गुड एज थिनर मिक्स विद वाटर, एंड दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ यू नो गुड ब्रांड एब्रो, वूर्थ या इवन एसटीपी और 3M फॉर दैट मैटर। सो ये फ़र्क होता है गुड ब्रांड और देसी, आई विल से यू नो मतलब दीज पीपल एक्चुअली फूल पीपल। 300 रुपया वेस्ट किया मेरा। ओके सो अब मेरा थ्रॉटल बॉडी इंजेक्टर वगैरह सब अपनी जगह पे लग गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ टैंक। सो ये है अपने टैंक का कंडीशन। ये आफ्टर है, आपने बिफोर देखा होगा। सो इसको पूरा एपॉक्सी रेजिन मार के, एंड दिस इज अल्से पेट्रोल इज न्यूट्रल ऑन दिस, सो ये पेट्रोल से फटेगा नहीं। एक बार क्योर हो गया, इसको 24 घंटा कम से कम क्योरिंग के लिए लगता है। एक बार क्योरिंग होने के बाद इट इज एज गुड एज प्लास्टिक। तो ये एक तरीका है आप आपके टैंक को, और जिस गाड़ी में ये बार बार ये प्रॉब्लम आ रहा है, सो यू नो आई वुड रिकमेंड अपने टैंक की कंडीशन भी देख लेना। बिकॉज होता क्या है कि रॉयल एनफील्ड ने इसको जब भी टैंक को जब बना के फैक्ट्री फिटेड जब आता है तभी भी ये रेड ऑक्साइड या एपॉक्सी मार के आता है, और वो आफ्टर सम पीरियड लाइक 6-7-8 साल के बाद वो निकलना शुरू हो जाता है ड्यू टू रस्टिंग। जैसे मैंने बोला कि आजकल इथेनॉल मिक्स पेट्रोल आ रहा है, 10% इथेनॉल आता है, तो उसका जल्दी पानी बन जाता है, उसकी वजह से भी रस्टिंग का इशू बहुत हो रहा है। सो नेवर कीप यू नो अगर आप यूज़ नहीं करने वाले हो तो ज़्यादा पेट्रोल भर के रखना नहीं, और स्पेशली हल से आप जब भी बारिश के टाइम पे खड़ा करने वाले हो गाड़ी को, मॉइस्ट कंडीशंस के टाइम पे, तभी ज़्यादा पेट्रोल भर के रखना नहीं गाड़ी में, कम पेट्रोल रखना, सो दैट यू नो यू यूज़ दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस, आपका पेट्रोल हमेशा फ्लो में चलता रहेगा। डोंट स्टोर टू मच पेट्रोल और आप यूज़ नहीं करने वाले हो। तो ये एक तरीका है, यू कैन सी द टैंक फ्रॉम ऑल राउंड। इसको ज़्यादा मैं अंदर नहीं बता सकता हूँ, बट आई हैव सीन दैट विजुअली इट इज़ वेरी नीट एंड क्लीन नाउ। अच्छा एक स्मॉल टिप देना चाहूँगा, ये टैंक फिट कर और रादर फ्यूल पंप फिट करने के पहले आप साइड में इसके बॉडी के साइड में मैग्नेट चिपका सकते हो, तो उससे क्या होगा कि जो भी आपका रस्ट कभी फ्यूचर में डेवलप होता है तो आपके फ्यूल पंप या फ्यूल पंप मोटर में उतरेगा नहीं। तो मैंने अभी यहाँ पे जो पुराने स्पीकर के मैग्नेट्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे नीचे लगा दिए हैं। आई डोंट नो वेदर आई कैन शो इट नाउ, वो चिपक गया नीचे तो यहाँ से नहीं दिखेगा। तो ये मैग्नेट डालेंगे तो पूरा जो भी, और वो भी मैंने डाला है कि फ्यूल पंप बॉडी के आसपास, सो जो भी रस्ट फाइनली आएगा यहाँ पे आके अटक जाएगा अगर फ्यूचर में डेवलप हुआ तो। सो ये जस्ट एक स्मॉल टिप है। सो मेरा फाइनल फिटिंग वगैरह सब हो गया है, मैं ये दूसरे दिन अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सब कुछ गाड़ी में लग चुका है, और जैसे मैंने बताया था ये गाड़ी पहले स्टार्टिंग ट्रबल भी दे रही थी और साथ ही साथ चल ही नहीं पा रही थी। मतलब इसके फिल्टर, एयर फिल्टर साइड पे एंड इनलेट मैनिफोल्ड साइड पे कंप्लीट एक्सप्लोजन्स पे चल रहा था गाड़ी, ये बिल्कुल भी चल नहीं रहा था। और अभी
जैसे मैंने पूरे प्रोसेस में बताया कि टैंक उसका रिस्पॉन्सिबल था, टैंक पूरा क्लीन करके उसको अंदर से इपॉक्सी रेजिन वगैरह मार के थ्रॉटल बॉडी क्लीन किया है, इंजेक्टर क्लीन किया है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर का वोल्टेज चेक किया है। अभी इसको मैं स्टार्ट करूँगा और उसके बाद एक टेस्ट राइड लूँगा, उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर दें और फिर से मैं एक रिकैप करूँगा कि क्या सिम्टम्स थे, क्या रूट कॉज था और उसका सोल्यूशन क्या है। ये फ्यूल पंप प्राइमिंग हुआ है, गाड़ी न्यूट्रल है, अभी इसमें जो फ्यूल पंप मोटर लगा हुआ है वो लोकल है, 1600 रुपए का देसी मोटर है, अच्छा चल रहा है, लेट्स सी कब तक चलता है। यूजुअली मैंने अभी पहले भी बहुत से गाड़ी में डाला है, 2-3 साल तो आराम से चल जाता है। तो ये है अभी गाड़ी का कंडीशन और मैं इसको अभी सडन एक्सेलरेशन देके देखता हूँ। एकदम नीट एंड क्लीन फायरिंग है अभी। तो अभी आपने देखा एकदम, मतलब आई कैन फील इट। फिर से एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, अभी मैं इसका टेस्ट राइड लूंगा। सो मैं इसको स्टार्ट करके लोकल में ही थोड़ा सा टेस्ट लेता हूँ फ्लाईओवर के ऊपर। परफेक्ट हो गया गाड़ी, मतलब आई कैन लिटरली थोड़ा सा ट्रैफिक में से बाहर निकल के मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मैं अभी थाना के नौपाड़ा एरिया में हूँ और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि मैंने टैंक में भी अभी लिक्विड मोली का फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लिक्विड मोली का फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर मैंने टैंक में डाला है। सो दैट अभी इंजेक्टर तो मैंने वैसे बाहर पूरा फिजिकली क्लीन किया था, बट उसको थोड़ा सा रनिंग में भी क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक फ्लाईओवर है जिसका जो खाली होता है जनरली, अभी वहाँ पे जाने वाला हूँ। जस्ट हाईनेस में से आया तो मेरे को अभी इंडिकेटर इसमें ढूंढना पड़ता है, इसका इंडिकेटर ऊपर है, हाईनेस का इंडिकेटर नीचे है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फ्लाईओवर खाली होगा बट ये तो थोड़ा सा भरा हुआ है। ठीक है, स्टिल नेवरदलेस अब ये जो भी है मैं सेकेंड गियर में ही कर रहा हूँ। आई मीन ऑब्वियसली 500 इज केपेबल ऑफ डूइंग मोस्ट ऑफ थिंग्स इन सेकेंड गियर। दिस इज़ अमेजिंग, मतलब गाड़ी पहले स्पीड में भगाना दूर की बात, गाड़ी कोई भी गियर में चल ही नहीं रही थी, कंप्लीट एक्सप्लोजन्स चलते थे। हॉर्न का शायद क्लिप निकल गया है, एक ही हॉर्न बज रहा है। एक बार फिर से एक रिटर्न भी मारता हूँ मैं। सो दिस इज अ गुड प्लेस फॉर ट्रायल।
अब इसको स्लो चला के देखता हूँ। एक बार मैंने भगाया, ठीक है भगाता है तो कोई भी गाड़ी अच्छा भागेगा। अब ये स्पीड जो था, मतलब ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। मैं एक बार इसको मुलुंड लेके गया तो ऐसे लगने लगा कि ये मतलब वापस आएगी नहीं आएगी, लगता है मतलब टो बेड पे या इस पर टो करके लाना पड़ेगा, ऐसे लगा था मुझे। स्पेशली जब ये फ्लाईओवर वगैरह में चढ़ रहा था वो टाइम पे लोड आ रहा था गाड़ी पे, फ्यूल ज़्यादा लगता है, तो वो टाइम पे जो लीन मिक्सर हो रहा था उसकी वजह से लिटरली एक्सप्लोजन्स आसपास वाले मुझे देखने लगते थे कि अरे हो क्या रहा है इस बाइक के साथ। और अभी मैं सेकेंड गियर में 30 के स्पीड में हूँ, नो जर्क व्हाट्सओवर। ये जो मतलब गाड़ी डिप कर रही है, दिस इज़ बिकॉज आई एम जस्ट यू नो एक्सेलरेशन नेगेटिव में जा रहा है, इसलिए मैं अभी एकदम माइनर थ्रॉटल में हूँ। अब मैं इसको पुल करना शुरू कर रहा हूँ, सेकेंड गियर में हूँ मैं, थर्ड गियर आई एम इन 60, फोर्थ गियर उतना टाइम नहीं मिला, 70 में जाके मैं अभी रिटर्न आया हूँ। एंड दिस इज़ अ ड्रास्टिक कंप्लीट चेंज फ्रॉम व्हाट द बाइक वॉज बिहेविंग अर्लियर। आई डू वन मोर राउंड, आई डोंट माइंड, क्योंकि मैंने अभी पेट्रोल में फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर भी डाला है तो वो भी थोड़ा सा काम आ जाएगा। और फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर का एक टिप देता हूँ कि फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर आप कोई भी गाड़ी में जब भी यूज़ करते हो उसको, जनरली आप जब भी लॉन्ग रनिंग में जाओगे, कम से कम हल से लॉन्ग रनिंग नहीं तो एटलीस्ट 100 किलोमीटर्स का आपका कॉन्स्टेंट अगर रनिंग होने वाला है कोई रोड पे जहाँ पे आपका थ्रॉटल मतलब कम्प्लीटली 70-80 के स्पीड में चल रहा है गाड़ी, तो वो टाइम पे डालना, तो वो कॉन्स्टेंट क्लीनिंग जो होता है ना दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। मतलब एकदम हाई स्पीड में, स्लो स्पीड में, एवरी वेरिएशन में गाड़ी को फिर वो जो इंजेक्टर्स का जो ये होता है, नोज़ल होता है, वो क्लीन हो जाता है। सो दैट्स अ यू नो स्मॉल टिप आई वुड लाइक टू शेयर। और जैसे मैंने बोला कि आई जस्ट टेक वन मोर स्ट्राइड ऑन द सेम रोड, ये गाड़ी का थोड़ा ब्रेक का इशू है, पीछे ड्रम ब्रेक है और आगे का ब्रेक कैलिपर जाम हुआ था तो उसकी वजह से इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी 3-4 महीने हो गए इस प्रॉब्लम की वजह से बंदी थी। और बारिश की वजह से मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आई थॉट बारिश एक बार चला जाए देन आई विल यू नो लुक इनटू इट। और ये एक्टिवा वाले भाई साहब आगे जाएंगे तब मुझे मौका मिलेगा। Easily 80 कर रहा है, easily back to the old days. While doing that, I should not forget that I don't have brakes. जो भी है गियर कंट्रोल ही करना है। सो गाइज परफेक्ट है, मैं अभी इसका एक रिकैप देता हूँ फिर से कि क्या हुआ था, क्या क्या स्टेप्स किया, what was the symptom, what was the root cause, और आपको क्या करना चाहिए, वो सारा भी मैं एक रिकैप करता हूँ गाड़ी के पास जाके। अभी इस ट्रायल वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। सो जस्ट अ फाइनल रिकैप, इस गाड़ी का इशू था कि गाड़ी इनलेट मैनिफोल्ड साइड पे जो या फिल्टर साइड पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन्स, बहुत ज़्यादा मिसफायर करती थी, चल ही नहीं रही थी गाड़ी, स्टार्टिंग ट्रबल था। आप अगर उसको स्लो स्पीड में चलाने की कोशिश करोगे तो उसको वो बहुत ज़्यादा मिसफायर कर रही थी, गाड़ी 40 का स्पीड भी क्रॉस नहीं कर रही थी, तो लॉट ऑफ इश्यूज़ थे। तो इसका ये जो भी मिसफायर या एक्सप्लोजन्स का जो सिम्टम था, ये आल से दिस इज़ अ सिम्टम, उसका जो रूट कॉज था वो था कि गाड़ी को जितना पेट्रोल चाहिए वो मिल नहीं रहा था, इसके इंजेक्टर के थ्रू उसको मिल नहीं रहा था। और उसका रूट कॉज ये था कि टैंक कम्प्लीटली उसका रस्टेड था, टैंक के अंदर फुल रस्ट था, और वही रस्ट पूरा डस्ट, मतलब मैं बोलूँगा लिटरली माइन्यूट पार्टिकल्स में जाके इंजेक्टर चोक करा था, और गाड़ी लीन मिक्सर में चल रही थी। लीन मिक्सर होता है जहाँ पे गाड़ी को पेट्रोल कम मिलता है और हवा ज़्यादा होती है, तो इस कंडीशन में हो रहा था कि बिकॉज ऑफ दैट रस्टेड पेट्रोल टैंक इंजेक्टर फ्यूल पंप नहीं कर पा रहा था, और उसकी वजह से ये जो लीन मिक्सर के एक्सप्लोजन्स थे। तो जब भी ऐसे एक्सप्लोजन्स वगैरह आपको आते हैं गाड़ी में तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ लीन मिक्सचर, मैनिफोल्ड साइड में अगर जो भी एक्सप्लोजन्स होते हैं। तो फिर हम लोग ने इसका टैंक पूरा मैंने खोला, टैंक खोल के पूरा एसिड क्लीन
सोडिंग सो जो बेकिंग सोडा है उससे पूरा क्लीन करके उसको अंदर से ये जो इपॉक्सी कलर है, इपॉक्सी रेजिन जो बोलते हैं, वो मारा हुआ है। और ये एक बार क्यूरिंग मतलब सूख जाने के बाद 24 घंटे के बाद इट इज़ जस्ट लाइक प्लास्टिक। तो अभी अंदर से पूरा कोटिंग किया टैंक को, साथ ही साथ मैंने पूरा थ्रॉटल बॉडी खोला था, आपने देखा मैंने वीडियो में कि पूरा थ्रॉटल बॉडी खोल के क्लीन किया उसको, अच्छे थ्रॉटल बॉडी क्लीनर को यूज़ करना, डोंट यूज़ एनी लोकल देसी, इवन रॉयल इनफील्ड का बकवास निकला लाइक आई हैव बीन टेलिंग यू। मैंने इंजेक्टर को पूरा थ्रॉटल बॉडी क्लीनर में, इंजेक्टर क्लीनर में पूरा डुबा के रखा था, उसको क्लीन किया एंड देन पूरा फिटिंग करके अभी दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द बाइक। सो दीज आर यू नो बेसिक थिंग्स यू शुड बी लुकिंग एट, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ योर टैंक, आपकी टैंक कहीं रस्टेड तो नहीं है, आपका इंजेक्टर कभी चोक तो नहीं है, बिकॉज ये इंजेक्टर वगैरह ये कोई खोलता नहीं है, थ्रॉटल बॉडी भी कोई खोलता नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, जो भी लोकल मैकेनिक्स है, जो काफ़ी एक्सपीरियंस मैकेनिक है रॉयल इनफील्ड के, वो थ्रॉटल बॉडी के इन सेंसर्स, इंजेक्टर्स, इनसे लिटरली डरते हैं। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है लोगों को बात करते हुए कि मतलब 25-25 साल से काम कर रहे हैं रॉयल इनफील्ड के, पुराने इंजन्स पे, यूसी पे काम करते हैं, बट जैसे ही उनके सामने आप फ्यूल पंप वाली गाड़ी लेके जाओगे, वो लोग बोलेंगे कि हम इसका काम नहीं करते, या दे विल स्ट्रेट अवे आपको बोलेंगे कि कन्वर्ट कर दो कार्बोरेटर में आपको, बिकॉज उनका काम आसान हो जाता है, उनको कोई दिमाग लगाने का काम नहीं रह जाता फिर एक बार कार्बोरेटर आ गया तो। सो आई विल से कार्बोरेटर इज़ अ ओल्ड टेक्नोलॉजी, डोंट गो रिवर्स। मैंने ये पहले भी अपने एक वीडियो में बोला है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। गो स्टेप बाय स्टेप, चेक व्हाट आर द रूट कॉजेज, डोंट जस्ट ब्लाइंडली यू नो गो फॉर अ कार्बोरेटर कन्वर्जन। कभी होता है कि आपका जो प्लग का वायर है, कैप है, वो भी शॉर्ट होता है उसकी वजह से भी, बट वो जो एक्सप्लोजन होते हैं वो आपके मैनिफोल्ड जो इंजन का पिछला मतलब ये साइड है यहाँ पे नहीं होगा, वो जो एक्सप्लोजन वो यहाँ पे गाड़ी मिसिंग होगी, स्टार्टिंग ट्रबल होगा वो सब, बट प्राइमरीली ये जो थ्रॉटल बॉडी इंजेक्टर रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसको स्टेप बाय स्टेप करना, क्लीनिंग से हो जाता है काम, और इसको रेगुलरली मेंटेन करना होता है। ऐसे नहीं है कि मतलब एक बार मतलब लिटरली वेंटिलेटर पे चढ़ गया उसके बाद लोग बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया कि यू नो द व्हीकल इज स्टार्टिंग, या फटाके फोड़ रही है, एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, तो ये चीज़ें लोग जनरली उनको पूरा गाड़ी वेंटिलेशन पे चढ़ जाती है तभी याद आती है। दीज आर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस थिंग्स, ये एवरी 10,000 किलोमीटर्स आपको करना है, 10 नहीं तो एटलीस्ट 15,000 किलोमीटर्स आपको करना है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपकी गाड़ी ट्रबल में है। सो ये काफ़ी लेंदी वीडियो बनाया मैंने, बट आई थिंक दिस वॉज रिक्वायर्ड, एंड आई होप पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद देयर रॉयल इनफील्ड EFI व्हीकल्स विल गेट सम काइंड ऑफ यू नो लर्निंग फ्रॉम दिस, हाउ टू मेंटेन, एंड इफ देर इज़ अ प्रॉब्लम हाउ टू रेक्टिफाई इट। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज आई कीप ऑन पोस्टिंग रियल टेक्निकल कंटेंट, नॉट यू नो गूगल यूनिवर्सिटी कंटेंट नहीं होता मेरा, बिकॉज मैंने अपने लाइफ में मेरा ये एक टाइम पे ब्रेड एंड बटर था, आई बिलोंग टू दी ऑटोमोबाइल सर्विस इंडस्ट्री, तो मैंने काम किया है वो मेरा रोजी रोटी था, तो ये ऐसे नहीं कि मैं गूगल से कहीं ढूंढ के रिसर्च मार मार के बकवास किए जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, ये मैंने हाथ काले किए लाइफ में तभी जाके ये सब एक्सपीरियंस आया है, ठीक है। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रमोट द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी राइडिंग।